हम आज बात करने वाले जो आपको बता दिया कि फ्लेम और बिना फ्लेम की आग कैसे जलती है। जिन फ्यूल्स में से वेपर निकलता है उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है फायर में, और जिनमें वेपर नहीं निकलता है वो विदाउट फ्लेम बर्न हो दोनों ही होते हैं, टेम्परेचर दोनों का ही बढ़ता है। फिर उसके बाद आती है आग, दो कलर की होती है आपकी, एक ब्लू और एक येलो, ठीक है ना, जो लाल येलो की होती है। तो देखो जब हम लकड़ी जलाते हैं तो क्या नीले रंग की आग जलती है भैया, ग्रीन कलर की भी देखी है, बिल्कुल बहुत सारे कलर्स की होती है, बट इन जनरल जो हम जलाते हैं वो क्या होती है आपकी, एक येलोइश कलर होती है और एक ब्लू। जो आप सिलेंडर में जलाते हो ब्लू कलर की है, और जो हम ऐसे जलाते हैं वो येलो कलर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान, अब ऐसा होता क्यों है, कभी सोचा आपने, सोचा किसी ने, हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्कूल में कौन कौन पढ़ चुका है, कोई भी नहीं, आप स्कूल में चैप्टर पढ़ चुके हो, चलो ठीक है, चलो देखो सिंपल सी बात है। जैसे देखो बच्चों, जब कोई भी आग जलती है ना तो आग में क्या होता है आपका फ्यूल जल रहा होता है, ठीक है। तो और आग जलती क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन मिल रही होती है एनवायरनमेंट से। तो जब किसी फ्यूल को जलते हुए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिले तो वो होता है वहां पे कंप्लीट कंबस्टन। क्या कंप्लीट, देखो आग लगने वाला जलने के प्रोसेस को कंबस्टन कहा जाता है साइंस में, ठीक है ना। तो जहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जितना लुटाना है लुटा लो, तो वहां होता है कंप्लीट कंबस्टन। और कंप्लीट कंबस्टन में जो होता है आपका जो फायर प्रोड्यूस होती है वो होती है ब्लू कलर में, ठीक है, मतलब जहां पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। और वहीं पर उस एनवायरमेंट में आपके जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो, वहां पे वही आग जलेगी, बट इस तरह की येलो कलर की, वो अलग अलग केमिकल पे डिपेंड करता है। आपको कॉपर सल्फेट की आग जलाएंगे तो वो ग्रीन कलर की जलेगी, ठीक है। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जैसे कि अगर हम सैनिटाइजर की आग जलाएंगे तो ये ब्लू कलर की जलेगी, ट्राई करना हाथ लगा रखा है, दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो याद रखना, कंप्लीट कंबस्टन में और इनकम्प्लीट कंबस्टन में येलो फ्लेम। तो देखो बच्चों, जो जैसे कि हमारे जो घर में गैस जल रहा है, ठीक है ना, जब तक उसे कहते इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्लू कलर की जलती है। अगर हम उसको ऐसा कुछ कर दे, समझ रहे हो, कि जैसे देखो आपने नोटिस कर रखा होगा कुछ लोगों का गैस होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है, तो जब गैस कम करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि जब हम कम कर देते हैं तो मतलब उसमें एक समझो कि जो ऑक्सीजन जो एयर जा रही होती है उसके अंदर एयर कम पहुंच रही होती है, और ऑक्सीजन तो एयर ही लेके जाएगी ना, तो अगर कहीं पे एयर कम है तो वहां पे जो आग है वो थोड़ी सी येलो कलर की जलेगी। तो इतना क्लियर रखना है, दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेन चीज हमें कंबस्टन ही पढ़ना है, बट उससे पहले थोड़ा सा, ठीक है, बात क्लियर है ना। मतलब जो आपके देखो गैस तो गैस ही पहले तो वेपर बनी जाएगी, वो तो खुद ही वेपर ही है, ठीक है, बट आपके जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है जो जलते हैं वो खुद वेपर बनेंगे, मतलब गैस में कन्वर्ट होंगे, वो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, ओके, क्लियर है। और उसके साथ आप लिख लो क्या होते हैं जो फ्लेम आपकी ब्लू और येलो टाइप के कैसे है। तो पहली लाइन में स्टार लगा के, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशियंट, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशियंट, when the oxygen supply is sufficient, then the fuel burns completely, then the fuel burns completely and produces a blue flame, ठीक है। अब देखो जो blue flame होती है, एक चीज बताओ, एक candle जलती है हमारी, वो होती है आपकी येलो कलर की, ठीक है। तो देखो कैंडल से क्या, मतलब एक कैंडल जलाते हैं तो पूरा रूम भर जाता है रोशनी से, और अगर लाइट ऑफ करके किचन में गैस जलाना, गैस जलाने से उतनी रोशनी होगी क्या, जबकि उसमें ज्यादा आग निकल रही है, कैंडल तो इतना सा जल रहा है, गैस तो इतना निकल रहा है, इसलिए जो ब्लू फ्लेम होती है उसे कहते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम। क्या नॉन लुमिनस फ्लेम, नॉन लुमिनस, NOUS फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम मतलब जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है रोशनी, लुमिनस लुमिनस का लुमिनस का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना। तो ब्लू फ्लेम को नॉन लुमिनस फ्लेम कहा जाता है, क्योंकि वो रोशनी नहीं करती है जितनी उतनी, हाँ अगर आप ऑक्सीजन कम कर दे तो वो भी पीले रंग की हो जाएगी, ठीक है। और फिर देगी वो, क्या फिर तो देगी ना, लुमिनस तो हो जाएगी फिर वो, बिल्कुल, जब तक नीली है तब, समझ रहे हो, नीली जो है वो रोशनी नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगला स्टार लगा के निकलो येलो वाले के लिए, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशियंट, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशियंट, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशियंट, द फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग अ येलो फ्लेम, इनसफिशियंट, हाँ द
फ्यूज बर्न्स इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग अ येलो फ्लेम. येलो फ्लेम होती है आपकी लुमिनस फ्लेम. लुमिनस मतलब वो ज्यादा रोशनी करती है. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो जैसे देखो बच्चों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे आपका एक कैंडल जल रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से नोटिस शायद से रखी हुई, हम जला के देखेंगे. ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि जो बाहर का हिस्सा होता है वो होता है येलो कलर का, और उसके एकदम सेंटर में होता है ब्लू कलर का. देखो एक्चुअल में क्या होता है, वहीं पे बर्निंग हो रही होती है, एक्चुअल में जो आग जल रही है. ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जो उसके वैक्स के पार्टिकल है ना, जो वैक्स है मोम, वो मोम वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हो? और वो ऊपर जा रहा है तो वो बर्न तो हो रहा है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उसमें पूरी तरह से बर्न नहीं हो पा रहे, मतलब वो पूरे नहीं जल रहे हैं जितने जलने चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे वो येलो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो जाने से पहले हम देख लेंगे इसे एक बार, क्लियर है बार? ओके, तो सिंपली कैंडल में जो वैक्स होता है वो जलता है और वेपर में कन्वर्ट होता है, इसी वजह से वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है. क्लियर है, समझ रहे हो ना बात? और वहीं पे जैसे देखो, जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे पास था वो स्पिरिट वाला, ये येलो कलर का फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता था, स्टार्टिंग में करता था जब तक उसमें धूल मिट्टी है, उसके बाद वो बिल्कुल ही ब्लू कलर का हो जाता था. क्या पहले थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता हूँ, याद है आपको ऐसे पुराने टाइम में लालटेन होती थी घर शीशे का, इसे हटा दो सामने से, ब्लू नीचे ब्लू. ये अभी जल रहा है, अब थोड़ा सा कैंडल भी दिखा लेता हूँ, कैंडल देखो बच्चों और ऑब्जर्वेशन देखो. साइंस मुझे हाथ निकालिए, हाथ निकालिए, ऐसे करिए, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ये, डर क्यों रही, करना कर, हम तो कर देंगे, ले बीच में डाला ना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे देख, ऐसे लेके जा, ऐसे करिए, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे. देखो जो किनारे यहाँ का पोर्शन ही क्या है, ब्लूइश कलर का. ठीक है, तो उस एरिया में क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबस्शन. क्या कंप्लीट कंबस्शन, मतलब और ये नॉन ब्लूइश फ्लेम है. देखो इस रूम में जो रोशनी हो पा रही है थोड़ी बहुत, ये किस वजह से हो रही है, इस येलोइश रीजन की वजह से. और ये येलोइश रीजन क्यों क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ के पार्टिकल्स है नीचे के, वो जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है ना, ऊपर जा रहे हैं और वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहे, जिसकी वजह से येलो कलर की लाइट एमिट कर रहे हैं. ठीक है, एक तरह से समझे लो, That's why it is happening. तो यहाँ वाले रीजन में इनकम्प्लीट कम्बस्शन और यहाँ वाले रीजन में कम्प्लीट कम्बस्शन. वैसे अगर हम इसे अच्छे से पूरा क्लीन करके देखे ना, क्योंकि स्पिरिट है तो ये एकदम ब्लू ही जलनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत टाइम से रखा हुआ है तो इस पे हुआ, तो देख रहे हो ना आप, देखो वो पार्टिकल्स ज्यादा, ये फ्लेम देख पा रहे हो ना कितनी बड़ी हुए, क्योंकि जस्ट मैंने इसे अपने झाड़ा, उसके वजह से क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स थे वो थोड़े दूर दूर हो गए, तो ज्यादा ऊपर तक जा पा रहे हैं. ठीक है ना, तो डेट इज वाइट ऐसा फ्लिकर हो रहा है ना, क्योंकि देखो बार बार नीचे से, अब देखो समय के साथ नीचे कम हो जाएगा. ठीक है, और बड़े कुछ ज्यादा ही फ्लिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिखाना जरा आप लोगों को. नहीं कर रहा मैं शूट, इन्होंने कहा था एक सेकंड, देखो भाई ये बच्चों आपका दिमाग ऐसा स्टेबल होता रहता है, लेकिन स्टेबल ठीक है. अब देखो इसे क्लोज करने में क्या करना, ढकना ले रहा है, भाई फूक मार दूं मैं, आप नहीं लगा ना.